हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं हूँ वाराणसी कैंट जंक्शन के बाहर। और जैसे ही मैं वाराणसी कैंट जंक्शन के बाहर जो है निकलता हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा सा ओवरफ्लाई देखने को मिलेगा और इसी के नीचे जो है वो रेड लाइट एरिया है जो सेस्क वर्कर है, दिनों रात यहीं पर दिखाई पड़ती है। तो गाइज आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और जब मैं ओवरफ्लाई के नीचे आता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो है तीन लेडीज़ दिखाई देती हैं। आप सब वीडियो में देख सकते हैं सामने, वो तीनों सेस वर्कर ही हैं और शायद वो कहीं पर इधर उधर कहीं पर जा रही हैं। और आपको बता दें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ रहता है, काफ़ी भीड़ भाड़ एरिया है और काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि ये वाराणसी कैंट जंक्शन के जस्ट बाहर ही है। जैसे ही आप वाराणसी कैंट जंक्शन के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है और आप देख सकते हैं वीडियो में जो ब्लैक साड़ी पहनी है ये भी वही सेक्स वर्कर ही है। और शायद इन लोगों के बीच कुछ लफड़ा हो जाता है और ये एक सेक्स वर्कर आप वीडियो में देख सकते हैं शायद उसको पीट रही हैं। और इन लोगों का एक ग्रुप होता है कस्टमर, शायद कस्टमर को लोग लेके जो है कुछ इन लोगों के बीच से कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ झगड़ा हो गया है। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो इन लोगों का कुछ झगड़ा चल रहा था। तो गाइज आप वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ है। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो शायद वो तीनों महिलाएं तो मुझे एक फिर जो है आगे दिख जाती हैं। आप जो देख सकते हैं वीडियो में जो ब्लू सूट और रेड सूट में जो हैं वो सब सेक्स वर्कर हैं, और एक जो ब्लैक साड़ी में ये सब सारे सेक्स वर्कर ही हैं। आपको ओवरफ्लाई के नीचे जो है कुछ दूरी पर जो यहाँ पर आपको सेक्स वर्कर खड़ी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यहीं पर जो है ये रात और दिन में जो है यहीं पर रहती हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं और कस्टमर को यहाँ पर ताड़ती रहती हैं जो है देखती रहती हैं, और यहीं पर कस्टमर को जो है अपने चंगुल में फंसाती रहती हैं। तो आप अगर वाराणसी जंक्शन पर अगर आते हैं तो बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि इन लोगों से और क्योंकि उन लोग जो है आपको जो है बहुत जल्दी अपनी बातों में फंसा लेंगी। और इनके बात या जो आप अगर कहीं पर खड़े हो जाते हैं, आपके जो है बगल आके आपके पास आके खड़ी हो जाती हैं, आपसे बात करने लगते हैं कि आपको चलना है, इतना चार्ज लगेगा, और हमारा इनका खुद का एक होटल होता है, इनकी सेटिंग होती है। और यहाँ पर ये अपने इनका इतना मनमानी एरिया है, खुले आम इस तरह से यहाँ पर जो है टहलती रहती हैं। अब जो देख सकते हैं जो इन्होंने जो है जॉकेट पहना हुआ है, और इनका जो चेहरा है अपने स्कार्फ से बांध रखा है, और बगल में जो है एक पीली सूट में जो साड़ी पीली सूट में और ब्लैक साड़ी में हमने आपको वीडियो में दिखाया था, वो दोनों वहाँ पर खड़ी हैं। ये सब यहाँ पर सेक्स वर्कर ही हैं और इसी तरह से ये लोग जो यहाँ पर रहती हैं। और वीडियो में देख सकते हैं आप साफ जो है इस तरह यहाँ पर रोड के किनारे बिल्कुल ही पिलर के इसी जो ओवरफ्लाई के नीचे ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तो गाइज मैंने जो अपना कैमरा है छुपा रखा है, और मैं अपने जो है हिडन कैमरे से ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज अगर इनको कैमरा दिख जाए तो कैमरा तो ये काफ़ी बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि इन लोग का काफ़ी बड़ा जो है ग्रुप होता है, तो वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है गाइज। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक ब्लैक साड़ी में जो है एक सेक्स वर्कर और दिखाई दी, तो ओवरफ्लाई के जस्ट नीचे ही वो खड़ी होती है, और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ है। और वीडियो में आप देख सकते हैं एक जो है बंदा जो है उससे बात कर रहा है और बात करने की कोशिश कर रहा है, और मैं वीडियो काफ़ी दूर से बना रहा हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उस महिला को शायद मेरे ऊपर कुछ शक हो गया है, शक है, लेकिन मैं जो है किसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बात एकदम फेस टू फेस ही बात करते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं होता, तो उस जो सेक्स वर्कर है उससे वो बात कर रहे हैं, और उनका जो बात करने का तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। ये कस्टमर से जो है फेस टू फेस बात नहीं करती हैं, ये आप जो है इधर उधर लगती रहती हैं, जिससे लोगों को जो है इतना ज़्यादा पता ना चले। और गाइस जो है ये यहीं पर जो है दिन और रात में यहाँ पर आपको दिख जाए, आप रात में आते हैं तो रात को भी आपको यहीं ओवरफ्लाई के नीचे ही यहाँ मिलेंगी, और दिन में आते हैं तो दिन पे आपको मिलेंगे। शायद इस कस्टमर से इसकी बातचीत इनकी सेटिंग नहीं हो पाती है, तो कस्टमर वहाँ से उनका चला जाता है। तो गाइस ये यहाँ पर रुकी हैं और किसी कस्टमर से का वेट ही कर रही हैं। तो गाइस वीडियो में आप सब देख सकते हैं, और
मैं वहाँ पर खड़ा था तो एक कस्टमर गया, तो दूसरा कस्टमर उनसे आके बात कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ये कुछ कस्टमर हैं ऐसे कि एकदम फेस टू फेस उनसे किसी से मतलब नहीं है, और आके किस तरह से वो बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है कि ठीक है आप कितना चार्ज लेंगे क्या कैसे, शायद उसकी भी बात उनसे नहीं हो पाती है। तो वो भी लड़का वहाँ से आगे चला जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो आप सब वीडियो में देख सकते हैं एक सूट पहन एक सेक्स वर्कर और हैं जिन्होंने सूट पहन रखा है और ब्लैक हिसाब से अपना चेहरा बांध रखा है। ये वही है सेक्स वर्कर ही हैं यहाँ पर लोग ये जो है इनको ताड़ते रहते हैं, और कस्टमर भी यहाँ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते जाते रहते हैं, ये भी कस्टमर को ताड़ती रहती हैं। और शायद ये थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, जैसे आगे बढ़ती हैं तो आप देख सकते हैं आगे दो सेक्स वर्कर और खड़ी हैं, उनसे जाकर कुछ बातचीत कर रही हैं। ये सब ये सेक्स वर्कर ही है, यहीं पे आसपास सेक्स वर्कर रहती हैं। तो गाइज ठीक, तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।